गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग ऐप से TDS सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, TDS सर्टिफिकेट यानी क्या, यानी उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में आपकी काफ़ी सारे फिक्स डिपॉजिट है, ओके। और फ्रेंड्स, वो फिक्स डिपॉजिट में आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो फ्रेंड्स 40,000 से ऊपर चला गया, ओके। तो फ्रेंड्स, वो अगर आपने वो 15G या 15H फॉर्म नहीं भरा होगा तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होगा कि आपका TDS यानी 40,000 से जितना भी ऊपर वो इंटरेस्ट जाएगा उसके ऊपर फ्रेंड्स वो TDS काट लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स 40,000 के ऊपर आपका 50,000 इंटरेस्ट हो गया, तो जो 40,000 के ऊपर 50 हुआ तो यानी वो 10,000 जो बाकी रहेगा, ओके, तो 10,000 के ऊपर आपका वो TDS कटेगा। वो फ्रेंड्स अगर पैन कार्ड होगा तो 10%, अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो 20% वो काट लेंगे। तो फ्रेंड्स सपोज़ के जैसे वो 20% आपका 10% या 20% आपका वो TDS कट गया, तो फ्रेंड्स वो बैंक वाले बोलेंगे कि आप ये जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तभी आप ये जो TDS कटा है वो वापस गेन कर सकते। तो फ्रेंड्स उस केस में आपको यहाँ पे वो बैंक से TDS सर्टिफिकेट लेना रहेगा। और फ्रेंड्स जहाँ पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराते हैं वहाँ पे ये TDS सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करना रहेगा। तो फ्रेंड्स ये TDS सर्टिफिकेट आप ये बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर फ्रेंड्स ये मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करते हैं मोबाइल बैंकिंग ऐप से, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉगिन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो सिंबल है मेरे ऐप में ये VP वाला सिंबल आ रहा है, तो ये सिंबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये आपका अकाउंट नेम एंड अकाउंट नंबर आ गया, तो ये वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नीचे देखेंगे अकाउंट सर्विसेज स्टेटमेंट सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सिलेक्ट सर्टिफिकेट टाइप, तो यहाँ पे TDS सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सिलेक्ट अकाउंट टाइप, तो सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट नंबर करेंगे, ओके, ये वाला अकाउंट यानी जो अकाउंट से वो TDS का टाइप, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पे फ्रॉम यानी कहाँ से, यानी वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रहेगा, तो फ्रेंड्स यानी फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा तो फ्रॉम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यानी जैसे कि मेरे को 2022 से 2023 का चाहिए, ओके, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो जैसे कि ये 2022 मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मंथ कौन सा आएगा, तो 1 अप्रैल, ओके, यानी ये अप्रैल आ गया, और यहाँ से मैं फर्स्ट सिलेक्ट कर लूँगा, ओके, फर्स्ट आ गया। उसके बाद कंफर्म डेट करेंगे, और 2 में क्या आएगा फ्रेंड्स, मार्च तक का चाहिए, तो यहाँ पे 2023 हो गया, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मार्च, ओके, और यहाँ पे डेट आएगी लास्ट डेट, मंथ की लास्ट डेट, ओके, या 31st March 2023 आ गया। उसके बाद कंफर्म डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं या ईमेल पे भी भेज सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी उसको व्यू कराता हूँ, तो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ओपन विथ, यहाँ पे PDF व्यूअर है, तो PDF में उसको ओपन करूँगा, यानी PDF व्यूअर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एंटर पासवर्ड, यानी आपका जो अकाउंट नंबर रहेगा वही आपका वो पासवर्ड रहेगा, ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर डालता हूँ एज अ पासवर्ड, ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने पासवर्ड मेरा अकाउंट नंबर जो डाल दिया, उसके बाद करूँगा ओके पे क्लिक, ओके। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये इंटरेस्ट एंड TDS सर्टिफिकेट, ओके, ये फ्रेंड्स ये TDS सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हो गया। और फ्रेंड्स ऊपर देख सकते हैं यहाँ से आप उसको शेयर भी करा सकते हैं, ओके, जैसे कि मैं शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये किसी भी मीडियम यानी व्हाट्सअप से भी भेज सकते हैं, ओके, मैसेज भी कर सकते हैं, जीमेल से भी उसको भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये मोबाइल बैंकिंग ऐप से TDS सर्टिफिकेट इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको शेयर भी करा सकते हैं, ओके।